हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट किस चीज पे बेस्ड था? क्योंकि बच्चों, हम लास्ट से जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, आपने लास्ट वीडियो में देखा हो, तो हम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल उसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी साइंटिस्ट आए, उसके बाद ग्रिफिथ, मैकॉर्टी, मैक्लियोड और ओसवाल्ड अवेरी के बाद हर्षे चेज जो साइंटिस्ट आए थे, उनका भी एक एक्सपेरिमेंट था जिनमें उन्होंने बताना चाहा कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये जेनेटिकली जाता भी है, कॉपी भी करता है। तो डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए हर्षे चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट। इसे ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ट्रांसडक्शन क्या होता है, उसके लिए हम बात करेंगे अभी कि ट्रांसडक्शन होता क्या है। यह ट्रांसड्यूसिंग प्रिंसिपल भी आप इसे कह सकते हैं। तो बेटा, हर्षे चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरियोफाज वायरस को लिया, जो कि बैक्टीरिया को खाता है। ये वायरस को इन्होंने कल्चर, दो अलग अलग कल्चर में ग्रो किया। अब जिसमें इन्होंने ग्रो किया, एक था S35, एक था फास्फोरस 32, दो रेडियो एक्टिव कल्चर में इन्होंने ग्रो किया। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजिनस बेसेस, शुगर और फास्फेट होते हैं। तो डीएनए वाला जो पार्ट है वो किसको ले लेगा? फास्फोरस को अब्सॉर्ब कर लेगा। और क्योंकि वायरस की आउटर कवरिंग प्रोटीन कोट की बनी होती है, तो वो सल्फर के साथ बाइंड अप अच्छे से कर लेता है, तो वो सल्फर को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब हम जरा बोर्ड पे समझेंगे। ये है हमारा बैक्टीरियोफाज वायरस है, जो कि बैक्टीरिया को खाता है या डिस्ट्रॉय करता है। ये बैक्टीरियोफाज वायरस का जो आउटर कवरिंग है, इसको एनवलप बोलते हैं। और एनवलप जो है इसका, वो बना होता है प्रोटीन कोटिंग का, जिसे कैप्सिड भी कह देते हैं। और अंदर जो इसके जेनेटिक मटेरियल है, वो है आपका डीएनए, ठीक है? और जेनेटिक मटेरियल जो अंदर वाला है, वो अब हम इनको क्या करेंगे, इस बैक्टीरियोफायरस वायरस को ग्रो करेंगे दो अलग अलग मीडियम में। ये आप कल्चर कर रहे हैं इनको, तो रेडियो एक्टिव लेने हैं इनके लिए दो। तो यहां पर हम ले लेते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस को दो अलग अलग मीडियम से, जैसे कि अगर इसे, क्योंकि बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट करवाना है, तो ये हमारी बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल है ईकोलाई। इश्चिरिचिया कोलाई, ठीक है? यहाँ पे तीन स्टेप फॉलो होंगे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम तीनों स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमें बैक्टीरियोफाज पर दो चीजों से काम करना है। पहले मैंने आपको बता दिया, P35 रेडियो एक्टिव यूज करेंगे, और इसमें अंदर चला जाता है S35P32 सल्फर रेडियो एक्टिव। अब ये रेडियो एक्टिव ही है जिनसे हमें आगे एक्सपेरिमेंट में पहचान मिलेगी, ठीक है? हमने दो बैक्टीरियोफाज ले लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, दो सेल ले रहे हैं इकोलाई की, और दो बैक्टीरियोफाज ले लेते हैं। अब हम दोनों चीजों को देखते हैं, ठीक है?
यहाँ पर हम मान के चलते हैं क्या कि आपका जैसे सपोज दैट मैं इसको लेकर चल रही हूँ कि यहाँ पर आपका ये बैक्टीरियोफाज है, ये इस पे सबसे पहले इन्फेक्ट करता है। किस पे इन्फेक्ट करता है? ई कोलाई पे। अब जैसे ही ई कोलाई पे इन्फेक्ट करता है तो ये अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो दे देता है। अब ई कोलाई बैक्टीरिया को लगता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये मेरा है, अंदर इसको किसको दे देता है? ई कोलाई बैक्टीरिया को, अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा तो जेनेटिक मटेरियल दे देता है। अब ई कोलाई को लगता है ये जेनेटिक मटेरियल मेरा है, तो ये ई कोलाई क्या करता है, आगे जाके इसमें जेनेटिक मटेरियल बहुत सारे बन जाते हैं तो ये सेल रप्चर हो जाती है, और रप्चर हो जाती है तो बहुत सारे वायरल जेनेटिक मटेरियल रिलीज होते हैं, और ये वायरल जेनेटिक मटेरियल बहुत सारे ई कोलाई को वापस से इन्फेक्ट करेंगे, ये वापस से इन्फेक्ट करेंगे। अब बहुत सारे वायरस ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो ये वायरस ने एक ई कोलाई को इन्फेक्ट किया, एक ई कोलाई में बहुत सारे वायरल जेनेटिक मटेरियल बन गए, सेल रप्चर हुआ और आगे जाके इसने आगे बहुत सारे ई कोलाई को काम करना शुरू कर दिया, अपना जेनेटिक मटेरियल देना शुरू कर दिया। तो एक से आगे इसी जेनेटिक मटेरियल को बढ़ना, इट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ट्रांसड्यूसिंग का मतलब है एक से दूसरे में और दूसरे के बाद आगे ये बढ़ता ही जा रहा है, इसको ट्रांसड्यूसिंग कहते हैं, ठीक है? अब क्योंकि हमको ट्रांसडक्शन सीखना था तो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि यहां पर हमने देखा कि अब बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, इन्फेक्ट किया, ठीक है? अब बैक्टीरियोफाज ने आउटर कवरिंग किसके इन्फेक्ट किया, कि अब हमने क्या किया, इन्फेक्शन से आगे जेनेटिक मटेरियल चला गया, ठीक है? इन्फेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये यहां पर आपकी बुक के जैसा ही मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? आपने इसको ऐसे किया। अब बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्शन करने के बाद क्या होता है, हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि ई कोलाई क्योंकि समझ ही नहीं पा रहा है ना कि वो उसका जेनेटिक मटेरियल, तो सारे जेनेटिक मटेरियल मिक्स कर देते हैं, हम उसको ब्लेंडिंग करते हैं, मिक्सी में जैसे मिक्स करते हैं उसको ब्लेंडिंग करते हैं। तो ब्लेंडिंग करने से क्या होता है, ये आउटर कवरिंग आपको ये हट जाएगी, क्योंकि आप मिक्सिंग कर रहे हैं तो हल्के पार्ट्स अपने आप ही हट जाते हैं। अब मिक्सिंग करने के बाद, ठीक है, अब क्या होता है, मिक्सिंग तो हमने कर दी लेकिन मिक्सिंग में भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो हम उस रिजल्ट को देखने के लिए जो हम चाह रहे हैं हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है जो ना रोटेट करती है, और रोटेट करने के साथ साथ हैवी पार्टिकल्स को नीचे बैठा देती है और लाइट पार्टिकल्स को ऊपर। तो यहाँ पर हैवी पार्टिकल्स क्या है, बैक्टीरियल सेल है, और लाइट पार्टिकल्स क्या है, वायरल सेल है। तो हम उसके बाद करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का रिजल्ट मैं आपको अब आपको इस तरीके से दिखाऊंगी। सपोज दैट यहाँ दो प्लेट है, ये मैं आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का रिजल्ट दिखा रही हूँ, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, दो आप हिस्से मान लीजिए, एक हो गया जो हैवी है जो नीचे बैठ जाएगा, और एक हो गया लाइट जो ऊपर रहेगा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया लाइट वाला है वायरस मटेरियल, और वायरस मटेरियल जो ऊपर रहता है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट। ऊपर जो चीज रहेगी उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, और जो नीचे पैलेट में जो चीज रहती है उसको बोलते हैं पैलेट। जो नीचे रहेगा भारी वाला वो रहेगा पैलेट, और पैलेट में है आपका बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल मटेरियल। अब क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट हम दोनों जगह देख रहे हैं, क्योंकि एक बार हमें S35 और एक बार हमें FP32 को देखना है। तो हमने क्या किया, जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को देखा तो इस एक्सपेरिमेंट में एक तरफ जब हमने देखा, मान लीजिए हम S35 को लेके चल रहे हैं रेडियो एक्टिव को, जब S35 रेडियो एक्टिव को लेके चल रहे हैं तो ऊपर हमने देखा जो बैक्टीरियोफाज का जो बाहर आउटर कवरिंग है वायरस मटेरियल है,
बस वो ही है वहां पे वायरस मटेरियल जो है, क्योंकि अंदर वाला जो मटेरियल था वो नहीं दिख रहा है। सुपरनेटेंट में हमको क्योंकि रेडियो एक्टिव कौन दिख रहा है, S35 प्रोटीन कोटिंग दिख रही है, और पैलेट में हमको रेडियो एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही हमने जब इसके साथ देखा तो यहाँ पे हमें नजर आने लगा क्या, यहाँ पर क्योंकि रेडियो एक्टिव क्या था, अंदर का जेनेटिक मटेरियल पी फॉस्फोरस जो आपका था पैलेट में, इसमें नजर आने लगा। ये आपने लिया था P32, यहाँ इस वाले में, यानी कि मैं दूसरे वाले में आपको बात करूं तो वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था P32 वो नीचे पैलेट में नजर आने लगा और ऊपर कोई रेडियो एक्टिव नजर नहीं आया। तो एक एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव पैलेट में नजर आया और एक एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव ऊपर सुपरनेटेंट में नजर आया। वो रेडियो एक्टिव जो सुपरनेटेंट में नजर आया वो था S35 और जो पैलेट में नजर आया वो P32। तो पैलेट में जो P32 था वो जो ट्रांसफर हुआ वो क्या था, वो P32 कौन था, जेनेटिक मटेरियल था, वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया और ये आगे ट्रांसफॉर्म होगा, आगे जाएगा ही जाएगा, तो ट्रांजेक्शन भी करेगा। तो यानी कि ये P32 नीचे रेडियो एक्टिव दिखने का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल है, ये इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। ठीक है, और जो प्रोटीन कोट है क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो वो ऊपर सुपरनेटेंट में रह जाता है। ठीक है, वो नहीं जाता है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक बार आप ले सकते हैं, जैसे कि आप इसको ले लें कि इसको लिख लें कि आपने इसको P35 से किया रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल को, तो आपको रेडियो एक्टिव वाला दिख जाएगा। एक बार आप लिख लें S35 वाला। ठीक है, तो ये आपको दो पैलेट में रिजल्ट नजर आ जाएंगे, एक का रेडियो एक्टिव पैलेट में दिखेगा और एक का सुपरनेटेंट में दिखेगा। तो आपको जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये था हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट, जहां पर तीन आपने स्टेप फॉलो किए, सबसे पहले इन्फेक्शन, देन ब्लेंडिंग एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन यू गेट टू थिंग्स, सुपरनेटेंट एंड पैलेट। सुपरनेटेंट में हल्के पार्टिकल्स रहते हैं और पैलेट में भारी पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स रहते हैं। तो बैक्टीरियल वाले जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे मिलेंगे और जो वायरल पार्टिकल है वो ऊपर मिलते हैं। ठीक है, दिस इज योर हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए चैनल को बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।